अनुगत विधायकों मुहर मोर्चा खोल गेहलोत पड़ कि महंगा कांग्रेस सभापति निर्वाचन रेस बाद पड़े कि से शुणापी मिलू कांग्रेस हाइकमाण काले अशोक गेहलोत को निर्वाचन दौड़ बाद जदि यह सत हो तेज दलय विशृंखला मूल्य देवाई पड़ी जदि गेहलोत कांग्रेस सभापति हमें तेज किए हे राजस्थान मुख्यमंत्री जहाँ उपर निष्पत्ति नापी गत राजस्थान जाते दलर केन्द्रीय पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन कांग्रेस विधायक दल सहित से बैठक किंतु सचिन पायलट नेतृत्व को प्रबल विरोध करागला एपरिकी दलर 82 जन विधायक बाचस्पति सीपी जोशी निकट को इस्तफा पत्र पठाई राहुल गांधी वन मैन वन पोस्ट कथा कहिबा परे राजस्थान परवर्ती शासन मुख्य चयन उपरे निष्पत्ति नेवापाई मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जयपुर जाते किंतु देखापी मिलता जे गेहलोत वन मैन टू पोस्ट निज अनुगत विधायकों मुहर मोर्चा खोली केन्द्रीय नेतृत्व को खोलाखोली चैलेंज करिसंती गेहलोत गोष्ठी गेहलोत गोष्ठी विधायक दल बैठक बर्जन करने सहित हाईकमांड को आगे नुआ सर्त रखी प्रथम सर्त हो गेहलोत एवं मुख्यमंत्री पद छाड़े ना से द्वितीय सर्त अक्टोबर 19 रे कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचन पर ही नुआ मुख्यमंत्री ना घोषणा करा सिंहभाग विधायकों विरोध पायलट कैंप्रे सृष्टि कंपन पायलट बासभवन में समर्थक विधायक मान विचार विमर्श खड़गे और माकन खाली हाथ में जयपुर फेरी दलय विधायकों आचरण और उच्चारण से खपा होती माकन मारियट होटेल खड़गे और गेहलोत रुद्धद्वार बैठक होता राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत और पूर्वतन मुख्यमंत्री सचिन पायलट दीर्घ 4 वर्ष धरी कुहुड़ा निआ एवं हुतु हुतु हो जलिला मुख्यमंत्री जी से पूछ करके उनकी अनुमति से उनकी सहमति से और उनकी कन्वीनियंस से रखा गया। मुख्यमंत्री निवास के ऊपर ही उन्होंने कहा शाम को 7 बजे रखना है तो उनकी कन्वीनियंस से ही ये मीटिंग रखी गई जो सबसे पहले आप सब लोगों को हम बताना चाहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि जो विधायक नहीं आए उनको हम लोग लगातार हम कह रहे थे कि हम 1-to-1 सब लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं तो कोई भी बात हो आप हमें कहें खड़गे जी और मैं हम अलग से बैठ करके 1-to-1 सबकी बात सुनेंगे। जो कहा वही मैं सर, 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 देखो पार्टी को यूनाइटेडली रखना है और पार्टी के अंदर डिसिप्लिन रहना चाहिए और ये जो जो चीजें यहाँ घटना घटी उसका शेषे रोची राजस्थान विधानसभा निर्वाचन एवं ता पूर्व वर्तमान सरकार कांग्रेस रे अस्थिरता सृष्टि अध्यक्षा को मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और मैंने बहुत विस्तार से राजस्थान के अंदर जो विधायक दल की मीटिंग करने के लिए हम लोग गए थे उसके बारे में विस्तार से पूरी की पूरी चर्चा करी और अपनी बात बताई। कांग्रेस अध्यक्षा ने हमारे से एक लिखित रिपोर्ट पूरे घटनाक्रम के ऊपर मांगी है और वो लिखित रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक के हम कांग्रेस अध्यक्षा को दे देंगे। कांग्रेस अध्यक्षा को हमने बहुत विस्तार से सारी की सारी बातों को बताया था। आज सुबह जयपुर के अंदर मैंने दो तीन बातों को बताया था जिसको मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग कल शाम को 7 बजे की रखी गई थी ये मुख्यमंत्री जी के कहने के ऊपर उनकी सहमति से उनके कहने के ऊपर समय और स्थान दोनों के दोनों तय किए गए थे और कांग्रेस अध्यक्षा का बड़ा स्पष्ट निर्देश था कि वहां पर हर विधायक से एक एक करके अलग अलग सबकी राय जान करके वापस रिपोर्ट उनको देनी है और कांग्रेस अध्यक्षा को एक एक करके जब सारी रिपोर्ट सब विधायकों से बात करके देनी थी तो फैसला वहां पे नहीं फैसला यहां पर वापस आकर कांग्रेस अध्यक्षा को हम रिपोर्ट देते और कांग्रेस अध्यक्षा सबसे बात करके उसके बाद में फैसला होता।
तो ये स्पष्ट हम लोगों ने कल से सब लोगों को कह रहे थे, अभी दोबारा से कहना चाहते हैं, हमारे पास में कुछ विधायकों के नुमाइंदे जो मंत्री थे वो लोग आए और तीन शर्तें उस वक्त रखी गई। एक शर्त उसके अंदर ये था कि कोई भी निर्णय, जो भी रेजोल्यूशन होगा, उस रेजोल्यूशन का के ऊपर फैसला 19 अक्टूबर के बाद में होगा, होना चाहिए और ये रेजोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए। तो उस पर हमारा ये कहना था कि ये कैसे संभव है कि वो व्यक्ति जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं, वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे, तो ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि सब हर विधायक से आप अलग अलग नहीं मिलिए बल्कि आप ग्रुप में मिलिए, समूह में मिलिए। इस पे हमारा ये कहना था कि कभी भी ऐसा कांग्रेस में नहीं होता है कि विधायक दल की मीटिंग के अंदर समूह में बात करी जाए, सब विधायकों से अलग अलग बात करी जाती है ताकि सब लोग फ्री एंड फेयर तरीके से अपनी बात को कह सके, कभी भी ग्रुप में बात नहीं होती। तीसरा उन्होंने ये कहा कि जो 102 लॉयल जो विधायक अशोक गहलोत जी के खेमे में हैं उन्हीं में से बनाया जाना चाहिए, जो लोग उस वक्त दो साल पहले अशोक गहलोत जी के साथ में थे। तो इस पे हमने ये कहा कि जो भी फैसला होगा आप लोगों की बात को स्पष्ट तरीके से कांग्रेस अध्यक्षा के सामने रखा जाएगा, हर एक विधायक जो कहेगा वो रखा जाएगा और कांग्रेस में कभी भी जो भी हम लोग प्रस्ताव पास करते हैं उसके साथ कंडीशंस नहीं लगाई जाती हैं, बगैर कंडीशंस के जाती हैं और सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताई जाती हैं और वो फिर अपनी विवेक से और सब लोगों से चर्चा करके, मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके उसके ऊपर फैसला होता है। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये सारी की सारी बातें होने के बाद भी वो मीटिंग नहीं हो पाई। हमने पूरी की पूरी जानकारी कांग्रेस अध्यक्षा को, जैसे मैंने कहा, हमने दिया है, उन्होंने लिखित रिपोर्ट विस्तार से इसके बारे में मांगी है, जो लिखित रिपोर्ट हम लोग आज रात को या कल सुबह तक के हम दे देंगे। धन्यवाद। देखिए, हमें राजस्थान प्रसंगर अधिक आलोचना करिबा वरिष्ठ सांबादिक रविदास आम सहित रहउछन्ति। श्रीयुक्त रविदास, आपनकु स्वागत करूछि एवं आशा करिबे आपन सुनुथिले बा संभवत अजय माकनक प्रतिक्रिया जेतेबेले से राजस्थानु फेरी आसीछन्ति दिल्ली। सर, 2023 शेषरे निर्वाचन रहउछि एवं वर्तमान कांग्रेस रे एई स्थिति एवं अन्य पटे राजस्थान रो इतिहास कहउछि थरे बीजेपी थरे कांग्रेस, अर्थात कांग्रेस रो पाली सरिला बीजेपी आसीबा कथा ये इतिहास अनुसारे बा प्रथा अनुसारे। तो कांग्रेस सपक्षरे किछि भी वर्तमान ठीक ठाक चालुनी, स्थिति पूरा गंभीर। नहीं, निश्चित भावे पर्टिकुलरली कांग्रेस नेतृत्व टी सफ्ट हो जाए सकाशे कहीं अशोक गहलोत कांग्रेस तथाकथित कांग्रेस हाईकमांड रे अत्यंत विश्वस्त से हिसाब से एआईसीसी सभापति करने नाम प्रस्ताव करा कर एआईसीसी सभापति हेले से जगह आउ जे मुख्यमंत्री हम जदि तांकर निजर इच्छा थला से एई सभापति माने मुख्यमंत्री रहिबे या सत्य विधायक मानक भितरे तांकर अनुगतन संख्या बहुत अधिक एवं से तो तीनटार मुख्यमंत्री हिचंती जने सीनियर लोक एमएलए मानक समी संतुष्ट कर रखिचंती। कथा होची से एई से होते बे उदयपुर सम्मेलन जा निष्पत्ति हिची वन मैन वन पोस्ट से दबा पड़ो एटा से जानिचंती कहगला से अनुसार सीएलपी मीटिंग सीए डाकी एआईसी पर्यवेक्षक जाते और सीएलपी मीटिंग बासभवन को रखाई कि से समय विधायक मान जो कथा है निज अनुगत विधायक मान जो स्टैंड ने समस्त सफ्ट कर एआईसीसी की जो मु भावी जे सी नचाही कथा हो पार नाता सीए तेर स्टैंड नहीं कथा हो पार नाता किला बर्तमान कांग्रेस उच्च कर्तृपक्ष एआईसी सह प्रेसिडेंट करेंगे कि ना चिंता करेंगे और सी आईसी प्रेसिडेंट विश्वास करेंगे कि ये कहते ये जो प्रस्ताव ग्रहण हम विधायक मानक जो प्रस्ताव हाँ सी आसी पर्यटक मैंने वन लाइन रिजल्यूशन जोटा कांग्रेस परंपरा जे अथराइजिंग द कांग्रेस हाईकमांड टू नॉमिनेट ए लीडर किंतु से मना कले मैंने कहे आम विधायक मैंने निष्पत्ति करू आम एपरी रिजल्यूशन दबू ना इन सिंगल पर्यवेक्षण भेटा को मना करदे
मीटिंग की आसिले नाही तो ये जो कांड हैला इतरे पंचुभान ने शॉक दै छथि एवं से भी अशोक गहलोत अंक बिना इंगित जे आई जीता नुहे तेणु से अनुसार कांग्रेस हाईकमान को रिपोर्ट देवे रिपोर्ट देलापर बर्तमान हूँ कांग्रेस सभापति जो नमिनेसन दे था कांग्रेस सभापति करवा कहले आप थे कांग्रेस सभापति गले जो रिजोल्यूशन गले आपनटा निष्पत्ति करेंगे तो निज विषय निजे निष्पत्ति करेंगे एटा कन्फ्लिक्ट अफ इंटरेस्ट एक बुझेला चाहिए मु सभापति ना पर्यटन मु मुख्यमंत्री रही कथाटा को पर्यटक मैंने ग्रहण कले सामना को आसुची एवं अंतरकंदळ जोगुं बा ए बा गोष्ठी गोटे प्रकार दुई गोष्ठी जोगुं सरकार उपरे मध्य संकट आसी जाई पारे ए आशंका को मध्य खंडन करा जाई न पारे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त रविदास आपणक प्रतिक्रिया पई। तबे दर्शक बंधु सीधा सड़क राजस्थान रु आम प्रतिनिधि सचिन कुमार आम सहित जोडुछंति एवं सेठाकार स्थिति संपर्क से आमको अवगत करिवे। जयपुर रहउछंति सचिन कुमार। सचिन जी ये बताइए पायलट कैंप में कितने एमएलए हैं, गहलोत कैंप में कितने एमएलए हैं और ये जो सिचुएशन बन रहा है अभी ये किस तरफ जा सकता है, सरकार के ऊपर कोई खतरा है? जी देखिए अगर कैंप वाइज बात की जाए तो गहलोत कैंप का दावा है कि 90 से 92 एमएलए उनके पास है, वही पायलट कैंप जो है वो 40 एमएलए का दावा करता है। लेकिन जब पिछली बार 2020 में पायलट कैंप ने मानेसर में कैंप किया था और वहां पे जाकर ये बात निकल के आई थी कि वो सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, कई बीजेपी नेताओं के नाम भी इसमें सामने आए थे, तब उनके पास 18 एमएलए उनके साथ गए थे और उसमें से भी कुछ एमएलए बाद में धीरे धीरे निकल कर आ गए थे। और यहाँ तक कल की घटना की बात करें तो कल अगर उनके पास एमएलए की ताकत होती तो कल स्थिति नहीं होती, कल स्थिति कुछ और होती, प्रस्ताव पास हो गया होता। लेकिन अशोक गहलोत का दावा है कि उनके पास, अशोक गहलोत गुट का दावा है माफ कीजिएगा, उनका कहना है कि उनके पास 90 से 92 एमएलए का सपोर्ट है। देखिए कांग्रेस राजस्थान के अंदर 108 सीटों पर जीत के आई है बसपा के विधायकों को मिलाकर और उसके अलावा 13 निर्दलीय विधायकों को समर्थन है। राजस्थान विधानसभा की अगर बात करें तो 101 बहुमत का आंकड़ा है, जो कांग्रेस सरकार का कहना है कि वो आसानी से छू लेगी, उसे पायलट कैंप के विधायकों की आवश्यकता नहीं है और पायलट कैंप के पास विधायकों की संख्या कम है। यही वजह है कि कल अशोक गहलोत ने अपने विधायकों के जरिए एक शक्ति प्रदर्शन करवाया और ये जताने की कोशिश की आलाकमान को कि वो हल्के आदमी नहीं है, उनको अगर दरकिनार किया जाएगा, उनकी अगर सोच को दरकिनार किया जाएगा तो राजस्थान में सरकार वही चला रहे हैं, वो आलाकमान को आंख दिखाई थी उन्होंने। और उसी की वजह है कि आज उनके दो मंत्रियों को नोटिस जारी हो गया, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल जिनके घर पर कल ये पूरा घटनाक्रम चला, विधायकों ने बैठक ली, सीएलपी की बैठक में जाने से पहले बैठक में मौजूद रहे, और दूसरे मुख्य सचेतक जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी फ्लोर मैनेजमेंट की, मुख्य सचेतक का मतलब ही होता है चीफ व्हिप, उसका मतलब ही ये होता है कि वो उसे पता होना चाहिए कि उसके विधायक कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, उसके विधायकों का मूवमेंट क्या है, कहीं कोई सरकार को गिराने की कोशिश तो नहीं की जा रही या पार्टी के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए महेश जोशी को भी नोटिस जारी किए गए, बात ये निकल के आई थी कि 4 लोगों को नोटिस जारी होंगे लेकिन इन दोनों लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। और एक नई खबर ये भी निकल के आ रही है विभु कि CWC जो दिल्ली में हो रही है, CWC वर्किंग कमेटी, उसने अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौर से बाहर कर दिया है, यानी अशोक गहलोत का नॉमिनेशन नहीं करवाया जाएगा। ये भी एक बड़ी खबर निकल के दिल्ली से सामने आ रही है CWC की तरफ से। इसके साथ ही दोनों जो मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर और जो चीफ व्हिप राजस्थान के महेश जोशी, उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया, ये कहा गया है कि बगावत थी। और दूसरी बात, अब तक पायलट गुट जो था बिल्कुल शांति अपनाया हुआ था, सचिन पायलट की तरफ से किसी तरह का बयान नहीं था, लेकिन आज उनके एक विधायक का सामने आया जिसमें उन्होंने आज सुबह ही एक कह दिया था न्यूज 18 से खास बातचीत में कि शाम होते होते कार्रवाई हो जाएगी, जो काम इन विधायकों ने किया है, जो बगावत इन्होंने की है, उन्होंने इसको बगावत का नाम दिया है, तो शाम होते होते आलाकमान इन पर कार्रवाई करेगा। और वो बात सही साबित हुई है, दो नोटिस आ गए हैं, अशोक गहलोत को बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष दौर से बाहर कर दिया गया है, तो आलाकमान ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। आज तकरीबन 2:20 पर फ्लाइट से मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन रवाना हुए थे, दोनों दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंचने के बाद दोनों 10 जनपद पे गए, वहां पे बैठक हुई और बैठक में ये फैसला किया गया कि दोनों जो अहम मंत्री हैं जिनका पूरा योगदान रहा, पहला मंत्री शांति धारीवाल जिनके यहां पर मीटिंग हुई CLP की बैठक से पहले सारे विधायक इकट्ठा हुए और वहां से बस में बैठकर CP जोशी जो कि स्पीकर है राजस्थान के उनके पास पहुंचे और उनको अपने इस्तीफा सौंप दिया और आलाकमान पर दबाव बनाने
की जो कोशिश की है, आलाकमान की जो नाफरमानी की है, उसके बाद उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब इन नोटिस का प्रभाव क्या रहेगा, किस तरह का जवाब होगा, ये अभी देखना होगा। लेकिन फिलहाल राजस्थान की राजनीति में बड़ा उछाल आ गया है। जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर ये पूरी कवायद शुरू हुई थी वो ठंडे बस्ते में चली गई राजस्थान से। गहलोत के ऊपर कोई कार्यानुष्ठान या एक्शन लेता है कांग्रेस, उसका असर क्या गिर रहा है और किस तरीके से गहलोत अपने आगे की रणनीति बना रहे हैं, वो भी देखने वाली बात है और वक्त ही सब कुछ तय कर लेगा। शुक्रिया सचिन जी आपकी जानकारी के लिए।